एक नए यूट्यूबर के लिए जो कि फेस कैम वीडियो बनाता है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका बैकग्राउंड। जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपका भी बैकग्राउंड ऐसा है या फिर इससे भी ज्यादा बुरा है और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा बैकग्राउंड बने और बैकग्राउंड में मजा आए, तो देखते हैं कुछ ऐसे इस तरह का बैकग्राउंड क्या आप चाहते हैं या फिर इस तरह का बैकग्राउंड। बिल्कुल एक क्लिक पे आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और एक नए यूट्यूबर जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ग्रीन स्क्रीन पे इन्वेस्ट कर सके या फिर ग्रीन स्क्रीन ले सके, विदाउट ग्रीन स्क्रीन आप कैसे सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अपना पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने पहले हम जाएंगे कैपकट के अंदर और कैपकट में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हुए वो वाली वीडियो हम इम्पोर्ट कर लेंगे जिस वीडियो का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। इन केस मैंने यहाँ पर ये वाली वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट की है जो कि आपने स्टार्ट में इंट्रो में देख भी ली है। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका बिल्कुल भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपके पास एक बैकग्राउंड मौजूद भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं क्रोम के अंदर। क्रोम में आने के बाद सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे pexels.com। सबसे ज्यादा ट्रस्ट स्पेस लिए करता हूँ कि यहाँ पे तमाम स्टॉक आपको फ्री में मिल जाते हैं और प्लस इस पे किसी किस्म का कोई कॉपीराइट भी नहीं आता। अब यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड के लिए सर्च कर लेता हूँ और वो मैं ऑफिस बैकग्राउंड यहाँ पे सर्च करूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इससे रिलेटेड जो बहुत सारे बैकग्राउंड है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे दो अलग अलग बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और टाइम बचाने के लिए इसको हम स्किप करके चलते हैं सीधा अपने कैपकट के अंदर। तो याद रहे, ऊपर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद मैं आ चुका हूँ कैपकट के अंदर। प्लस का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फोटोज को क्लिक करेंगे और फोटोज को क्लिक करने के बाद सबसे पहले वही वाला बैकग्राउंड जो कि हमने डाउनलोड किया था यहाँ पर लेकर आएंगे। कहेंगे यहाँ पे वीडियो कहाँ पर है, तो वीडियो हमारी आगे रही। इस वीडियो को हम क्लिक करते हैं और नीचे ओवरले का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके इस वीडियो को नीचे ले आते हैं नीचे की लेयर में और इसको हम बिल्कुल बैकग्राउंड के सामने जाके रख देते हैं। और क्योंकि हमारे पास पिक्चर बैकग्राउंड है तो इसलिए हम इसको साइज को फुल कर लेते हैं। और फुल करने के बाद हम एक मरतबा स्टार्ट में जाते हैं और जाके अपनी वीडियो को क्लियर करेंगे जिसके हमारे बैकग्राउंड रिमूव करना है। हम यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कटआउट को जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं रिमूव बैकग्राउंड यानी कि विदाउट क्रोमा की के। और जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ऊपर आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड 0% लिखा हुआ है, जब तक कि 100% ना आ जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है तब तक हम अपने बैकग्राउंड को जो हमने वहाँ से पिक्चर डाउनलोड की थी उसको हम अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारा फोरग्राउंड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हम खुद हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का लगे। तो इसको सेटिंग करने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं जहाँ पे हमें लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक दे रहा है फील, तो वहाँ पे इसको रख देंगे। डेफिनेटली जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है। इसके बाद आपको करना ये है कि जब तक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा हो तब तक आप इसके अंदर और भी जो जरूरी चीजें हैं यानी कि जैसे कि इसके अंदर इफेक्ट देना, हम सबसे पहले यहाँ पे लेंस के अंदर जाएंगे और एक ब्लर का इफेक्ट देंगे उस बैकग्राउंड को जो हमने डाउनलोड किया था ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक फील दे, और इसका बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा अजीब भी ना लगे और बहुत ज़्यादा ब्लर भी नहीं कर देंगे। ज़्यादा ब्लर कर देंगे तब भी अजीब लगेगा, कम ब्लर करेंगे तब भी वो अजीब लगेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कैमरा होता है उससे अगर आप सामने वाले बंदे पे फोकस कर रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका ब्लर ही रहता है। तो इसलिए आपको हल्का सा ब्लर इसमें ऐड करना है जो कि 5% या 6% तक आप इसको कर लें, तो वो ब्लर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। और इसके बाद सेकंड काम जो होता है वो आपका है कि आप अपनी इस इमेज को क्लिक करेंगे या वीडियो को क्लिक करेंगे और आप जाएंगे एडजस्टमेंट्स के अंदर और अपनी कलर ग्रेडिंग को आप थोड़ा सेट करेंगे। बिल्कुल इसमें 100% एक्यूरेट कलर ग्रेडिंग तो नहीं होती, लेकिन जितना भी आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बैकग्राउंड के साथ अपने इमेज को जो है वो मैच करना है। इस वीडियो के मुताबिक जितना भी कलर मैच हो सकता है वो करने के लिए मैं यहाँ पे इसका एक्सपोजर कम ज़्यादा करके चेक करता हूँ, शार्पनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड हो सके। उसके बाद HSL के अंदर हम जाते हैं, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इससे आप अपने स्किन के कलर को भी रेडनेस करना चाहें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें अगर मैं शर्ट का कलर सेलेक्ट करता हूँ तो शर्ट का कलर भी मैं इसमें डार्क लाइट कुछ भी कर सकता हूँ। लूमिनेंस इसके अंदर आप छेड़ सकते हैं। HSL बहुत ही कमाल का फीचर है इसके अंदर और ये आपको सिर्फ और सिर्फ PC के अंदर मिलता है, लेकिन अब कैपकट के अंदर भी अवेलेबल है। देखें जैसे मैंने शर्ट का कलर इसके अंदर चेंज किया, इसकी कुछ लूमिनेंस बढ़ाई, इसका सैचुरेशन बढ़ाया और यू के अंदर जाके इसका थोड़ा सा कलर को एडजस्ट किया। यहाँ पे ये सेट कर लेने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे अपने ग्राफ के अंदर और ग्राफ के अंदर अगर आप ब्लू को क्लिक करते हैं जो कि मेरी शर्ट का कलर है तो उसका कलर को हम कम या ज्यादा लाइट या डार्क कर सकते हैं। इस तरह व्हाइट को क्लिक करने के बाद इसके व्हाइट और ब्लैक्स के अंदर आप जो है वो लाइट और डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम शेडो को क्लिक करते हैं
और शेडो को ज़्यादा करने पर आपका शेडो जो एरिया है वो सारे लाइट हो जाएंगे, और कम करने पर आपका शेडो का एरिया जो है ज़्यादा डार्कर में आएगा। इसी तरह टेम्परेचर के अंदर आने के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हमारा बैकग्राउंड के साथ मर्ज होगा, या टेम्परेचर आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कूल भी रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बैकग्राउंड का थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने अपना टेम्परेचर ज़्यादा रखा है। इसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको मजीद मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तो आप भी अपनी वीडियोस के जो बैकग्राउंड है उनको अच्छे से एडजस्ट कर लिया करें। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर देता हूँ ताकि जल्दी ये जो हमारा बैकग्राउंड है रिमूव हो रहा है कम्प्लीटली। इस ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। उसके बाद इसके अंदर आप कुछ फिल्टर्स वगैरह अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा प्ले करके चेक करते हैं कि हमें ये कैसा लग रहा है। तो बैकग्राउंड के हिसाब से तो हमें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे ये भी दिखाना था कि साथ में कि मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड कैसा है, तो इसलिए इसका कुछ पार्ट मैं कट कर दूंगा बीच में ताकि आपको वहाँ पे दिखे कि ये ओरिजिनल बैकग्राउंड कैसा है। और जब मैं चुटकी बजाता हूँ तो वहाँ पे एक सेकंड बैकग्राउंड भी मुझे देना है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो मैं वो वाला पार्ट यहाँ पे कट लगा लेता हूँ जहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि जितना पार्ट मुझे दिखाना है मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड, उतने हिस्से को मैं सिलेक्ट करके बीच में कट लगा दूंगा। और कट लगाने के बाद बैकग्राउंड जो रिमूव हमने किया था उसको मैं ऑफ कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि सिर्फ वही वाले पार्ट का बैकग्राउंड जो रिमूव हुआ था वो हट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट में हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन बीच के पार्ट के अंदर हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वापस आ चुका है, और इसके बाद जहाँ पे मैं चुटकी बजाऊंगा तो वहाँ पे हमारा एक सेकंड बैकग्राउंड आ जाएगा। तो लेकिन ये वही बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्यों ना इसकी जगह जहाँ पे मैं हाथ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड लेकर आ जाऊँ। तो जहाँ पे हाथ स्वाइप करो एग्जैक्ट इसी मोमेंट के ऊपर मैं जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर दूंगा निकाल के, और उसकी जगह हम एक और बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं जो कि मैंने पहले डाउनलोड करके रख लिया था, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से वो वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ से डाउनलोड किया था। आपकी मर्जी, इसको आप लेयर में रख लें या फिर मेन टाइमलाइन में रख लें, वो आपकी मर्जी है। इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे तो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो हम इसको लेयर को सिलेक्ट करके इसको नंबर 1 पे कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बैक साइड पे चल जाएगा और ये हमारी फोरग्राउंड पे आ जाएगी। मैं आपको एक प्लस टिप देता हूँ कि हम यहाँ से अपनी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मास्किंग में जाते हैं और मास्किंग को क्लिक करते हैं, तो पहला जो स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपके सामने देखें कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और पीछे लेकर जाते हैं। अब हम इसको पूरा हाइड कर देंगे, और क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्रेम लगा चुके हैं की फ्रेम यहाँ पे सेट करेंगे, और इस तरह से ये वहाँ पे स्लाइड होता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पे हम अपना इसको बिल्कुल बैक साइड करके की फ्रेम लगा देते हैं। की फ्रेम लगाने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करते हैं जहाँ पे मेरा हाथ बिल्कुल आगे चल जाता है, तो वहाँ पे जाके एक और की फ्रेम लगा देते हैं, उसको आगे की तरह शो करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये आगे स्लाइड होके आया। तो बाय मिस्टेक मैंने पूरा फ्रेम हटा दिया था, तो इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं और मास्किंग पे जाते हैं, स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, और इसको जितना आगे मूव करना हम कर देंगे। इससे होगा ये कि हमारे दो की फ्रेम लग जाएंगे, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह एनिमेट हो पाएगा। तो इसको प्ले करके हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, ये काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट नहीं बना। तो इसको थोड़ा सा दोबारा चेक करके देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो ये ठीक है, वो हमें थोड़ा सा ऐसा इल्यूजन हुआ कि इशू है, लेकिन नहीं है। लेकिन इसके अंदर अभी भी इसकी थोड़ी सी जो पोजीशन है वो मुझे लगता है कि थोड़ा और एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मरतबा फिर से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मास्किंग के अंदर, इसको क्लिक करते हैं, और इसको क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं ताकि इसकी पूरी सेटिंग आ जाए। तो इसको हम की फ्रेमिंग के थ्रू यहाँ पे आगे लेकर आते हैं, इसको चेक करते हैं। असल में ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रोटेट होके आ रहा है, टिल्ट होके आ रहा है सॉरी, तो ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोटेट पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, और सीधा करने के बाद अब हम इसको दोबारा एनिमेशन देंगे। तो आई होप कि अब ये सही लगेगा, क्योंकि पहले टिल्ट होके आ रहा था तो इसलिए शायद थोड़ा उतना मज़ेदार नहीं लग रहा था। इसको रिटर्न में लेके जाते हैं और इसका जो फेदर है उसको ठीक करते हैं, और इसको यहाँ पे हम दोबारा से एक दफा की फ्रेम देके चेक करते हैं। तो देखें यह पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो हमारी ये वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है एक्सपोर्ट होने के लिए। इसको हम जितना ज़्यादा बैक फ्रेम भी जो है इसको जितना चाहे सेट करना चाहे अपनी पूरी वीडियो के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लें तो आपका बैकग्राउंड रिमूविंग की पूरी वीडियो रेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया होगा। अगर तुमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया है तो जाके मेरी इस वीडियो को क्लिक करें और आप पूरी वीडियो एडिट सीख सकते हैं। और बहुत जल्द मैं एडवांस लेवल की फीचर की वीडियोस भी ला रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ट्राइब ट्यूबर।